बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो फाइलम आर्थ्रोपोड्स में रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम स्टडी करेंगे डिटेल में कि आर्थ्रोपोड्स में रिस्पायरेटरी सिस्टम किस किस्म का है, और इसमें हम स्टडी करेंगे उसमें रिस्पायरेशंस आर्थ्रोपोड में कैसे होती है, और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन से प्रेजेंट है, और इसकी ये प्रोसेस क्या है, और इसकी डायग्राम क्या है। इन सब चीज़ों को हम फाइलम आर्थ्रोपोड्स में रिस्पायरेशंस को आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रोसेस रिस्पायरेशंस का, ठीक है। जस्ट सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन रिस्पायरेशंस की। रिस्पायरेशंस क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ये प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है, और इसको हम स्टडी करेंगे आर्थ्रोपोड्स के अंदर। इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन को ऑब्टेन किया जाता है, और वेस्ट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से। इस प्रोसेस में जो इसमें जो आर्थ्रोपोड्स हैं ना, उनमें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, वो दो तरह से डिवाइड हुआ है। आर्थ्रोपोड्स टेरेस्ट्रियल, एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, इनमें जो ऑर्गन प्रेजेंट हैं रिस्पायरेशंस के लिए, वो है ट्रेकिया और बुक लंग्स। और एक्वेटिक में जो रिस्पायरेशंस के लिए ऑर्गन प्रेजेंट है वो है गिल्स। गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशंस करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें जो आर्थ्रोपोड्स में जो रिस्पायरेशन की रिस्पायरेटरी ऑर्गन की जो डायग्राम है हम उसको देखते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको डायग्राम शो करती हूँ उसकी, डियर स्टूडेंट्स ये है मेन मेन ट्रैकिया है, और इससे जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ऐसे, इसमें इस तरह के जो सर्कुलर है ना, इस तरह के इसमें ट्रेकिया में ये रिंग्स प्रेजेंट होती हैं आर्थ्रोपोड्स के, ठीक है। ये रिंग्स थ्रू आउट द ट्रेकिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो ओपनिंग है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओपनिंग है इसे कहते हैं स्पायरकस। स्पायरकस कहते हैं, और ये जो लाइन है ना, ये है मेन ट्रेकिया। मेन ट्रेकिया, और ये जो इससे वेन्स निकली हैं, ये जो वेन्स है ना, ये इंटर हुई हुई होती हैं किस में, मसल में। ये क्या है, मसल, इंसेक्ट के मसल में, ये जो है ना, ये ट्रेक्यूल्स, ये मसल्स के साथ अटैच होती हैं, इन्हें कहते हैं ट्रेक्यूल्स। अब ये प्रोसेस क्या है, स्पायरकल्स ना वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? स्पायरकल्स से एयर इंटर होती है, ये जो स्पायरकल्स है ना, इनसे क्या होती है, एयर इंटर होती है। स्पायरकल्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इंसेक्ट्स के एब्डोमिन, एब्डोमिन में और थोरैक्स में, थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये कनेक्ट किसके साथ हुए होते हैं स्पायरकल्स, ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। स्पायरकल से एयर इंटर होती है, मेन ट्रेकिया से एयर मूव करते हुए ट्रेक्यूल से पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, पूरी बॉडी में डिफ्यूज होती है। इस तरह से
ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, उनमें रिस्पायरेशंस होती है। स्पायराकल से ही एयर इंटर होती है और स्पायराकल्स एब्डोमेन थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं और ये कनेक्ट हुए होते हैं मेन ट्रेकिया के साथ और मेन ट्रेकिया से ट्रेक्योल्स निकलते हैं जो पूरी बॉडी में डिफ्यूज हुए होते हैं, जिससे ऑक्सीजन पूरी बॉडी को सप्लाई होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट है, वो इधर से इंटर होके स्पायराकल से आउटसाइड द बॉडी जाती है और ये स्पायराकल्स ओपनिंग्स है जो हेल्प करती है गैसेस की एक्सचेंज में। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।